हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका एमेजॉन स्पीक्स में। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि अब एनसीबी के हाथ में बहुत बड़ा सबूत लग चुका है, वो सीबीआई के हाथ वो सबूत देने वाली है। आपको बता दें कि ये अब केस सिर्फ कत्ल तक नहीं रह चुका है, ये केस अब आगे जा चुका है। अगर ये तीन एजेंसीज आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करती तो और खुलासे नहीं होते और जल्द खुलासे नहीं होते। सीबीआई जितना टाइम लगा रही है, अगर अकेले ही इन सभी चीज़ों का खुलासा करने में टाइम लगाती तो आगे भी न जाने कितना टाइम लगता सभी चीज़ों का खुलासा करने में। एनसीबी ने कहा है कि हमारे हाथ बहुत बड़ा सबूत लगा है, वो हम सीबीआई को देंगे। अब जाहिर सी बात है, सीबीआई को देंगे तो सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान से ये केस जुड़ता है। जो भी खुलासा उन्होंने किया है, जो भी सबूत उनके हाथ में लगे हैं, वो सबूत इस केस से जुड़ते हैं, दोनों केसेस से जुड़ते हैं। और आपको साथ में ये भी बता दें कि जैसे ईडी ने सीबीआई की मदद की थी, फिर सीबीआई ने एनसीबी की मदद की, अब एनसीबी सीबीआई की मदद कर रही है। अब बात चल रही है कि एनआईए भी आएगा इसमें। जैसे मनजिंदर सिंह जैसे बड़े नेताओं को धमकियां आ रही हैं, तो इसका मतलब इन बॉलीवुड का लिंक टेरर से जुड़ता है, आतंकी संगठनों से जुड़ता है, तो अब एनआईए भी इसमें उतरेगी। ये सारी एजेंसीज़ का उतरना बहुत ज़रूरी था, और जो कोऑर्डिनेशन के साथ अब चीज़ें सामने आ रही हैं, सबूत हाथ लग रहे हैं, चीज़ें एक्सपोज होती जा रही है दिन ब दिन, ये लड़ाई अब और आगे बढ़ती जा रही है। एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति आ चुकी है। अब जन आंदोलन भी हो रहा है, लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं। सुशांत सिंह के इस मौत ने इतना बड़ा आंदोलन पैदा कर दिया है, लोगों का गुस्सा भी कम नहीं हो रहा है, एजेंसीज भी लोगों के प्रेशर से एक्टिव हो चुकी है बहुत ज़्यादा। इसी के साथ नितेश राणे ने जो लेटर जिस पर रिक्वेस्ट की थी उन्होंने कि दिशा सालियान में रोहन राय को सिक्योरिटी दी जाए और सबूतों को बचाया जाए, होम मिनिस्ट्री को वो लेटर उन्होंने लिखा था, उस पर अमित शाह जी का जवाब भी आ गया है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे, क्योंकि लोगों का प्रेशर इतना ज़्यादा है सरकारों पर और अथॉरिटीज़ पर, एजेंसीज़ पर, कि वो अब सख्ती से इस पर जाँच कर रही है। और बहुत जल्द ये बॉलीवुड के जितने बड़े दिग्गज बनते थे, स्टेजेस पे आउटसाइडर्स का मजाक उड़ाते थे अवार्ड शोज़ में, इन सभी के नाम बहुत जल्द आएंगे, और उम्मीद है कि इन सबको जितनी कड़ी सज़ा हो वो मिले। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।